Hi guys, so today I'm getting ready for Makar Sankranti. Happy Makar Sankranti to all of you. वो तो आपको मेरी साड़ी देख के पता चल गई होगी कि पूरी साड़ी में इतने सारे काइट्स हैं. And here we go. So देखो मैंने first tuck किया, फिर second tuck हम ऐसे mirror में देखते हुए यहाँ हम अपना दूसरा tuck करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपके hands free है, आप आराम से पीछे टक कर सकते हो लाइक दिस एंड जस्ट वेरी नाइस एंड स्मूथ. अब टक होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मार्क दिया हुआ है व्हाइट एंड येलो का, इसको हम यहाँ टक कर देंगे. और ये देखो परफेक्ट मेजरमेंट. ये जो ड्रेप है मैं अभी दिखा रही हूँ ना, ये मेरी मम्मी का स्टाइल है बट परफेक्ट. एक्चुअली क्या है, ड्रेपिंग में कुछ भी राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है. आप कंफर्टेबल होते हो और आपकी प्लीट्स वगैरह सही गिर रही है, एज फार एज यू आर हैप्पी एवरीथिंग इज ग्रेट. सो इसको करने के बाद देखो आप क्या करते हो, आप इस पार्ट को लेते हो एंड यू मेजर इट प्रिंसेस लाइन पे एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग योर लोअर प्लीट्स. ठीक है, देखो हमारी लोअर प्लीट्स हम बना रहे हैं और जस्ट बिकॉज परफेक्ट आयरन है ये हमारे लोअर प्लीट्स बन गई. ये देखो परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट प्लीट्स. ठीक है, अब हम इसको कलेक्ट करेंगे यहां पे. और ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐसे टक किया हुआ है, इसको ऐसे लोगे आप और इसको टक कर दिए. राइट, देखो जब आप प्रिंसेस लाइन से मेजर करते हो ना, यहां एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता ही नहीं है. उसको करने के बाद एक सेकेंड, उसको करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे निकाल, क्योंकि ना मम्मी को मैं देखी हूं, उनको ना ये जगह ऐसे कवर्ड बेटर लगती है. ठीक है, एज एवरीवन इज कंफर्टेबल एंड इजी. इसको करने के बाद आप इसको लेट डाउन करो एंड शोल्डर पे हम एक पिन लगाएंगे एंड दैट इज इट. देखा, इतना इजी होता है साड़ी पहनना, लिटरली जैसे आप जीन्स टी शर्ट डालते हो ना, एकदम वैसे. पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, अभी मेरा लगाना बाकी है काजल, मेरा फेवरेट पार्ट. और मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, एक सेकंड में क्विकली काजल लगा लूं. और ना पता है संक्रांत वाले दिन सब क्या करते, पतंग उड़ाते हैं, पूरा आसमान ऐसे लगता है पतंगों से भर गया. बट मैं नहीं करती, मैं बताती हूँ क्यों. एक्चुअली क्या हो, कुछ साल पहले मुझे ध्यान है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आजू बाजू बहुत सारी ग्रीनरी और बहुत सारे पेड़ पौधे, तो मुझे लगता है कि जैसे यू नो पतंग की लड़ाई होती है और किसी का पतंग कटा होगा और वो जाके एक पेड़ पे लटक गया, अटक गया, और उसका धागा कोई और पेड़ पे अटक गया. ऐसे दो तीन धागे और वायर्स कुछ कुछ ऐसे हुए थे. और जब मैं सुबह उठी और अपने बालकनी में गई तो मैंने देखा एक कबूतर ऐसे लटक रखा है, मतलब यू नो एक पिजन के पाँव में पूरा उलझा सा कुछ दिख रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो उल्टा क्यों लटका हुआ है. फिर दो तीन जन के हेल्प से हम लोग धीरे धीरे वो यू नो धागे को खींचे ताकि वो पिजन को ऐसे, क्योंकि ये धागा बहुत शार्प होता है, तो पिजन को हम लोग पास लाए और यू नो उसको धागे को काट के. अच्छा, पिजन को भी पता था ये हमें बचा रहे, इसलिए उसको पता था कि वो सेफ हैंड्स में है. और उसको यू नो सारे धागे को काट के पिजन को एक साइड रखे कि जब भी उसको कंफर्टेबल होगा वो उड़ जाएगा. बट दो तीन दिन तक वो पिजन उड़ ही नहीं पाया. फिर वन फाइन डे चलो वो उड़ गया, बट उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि ये किस कारण हुआ, क्योंकि पतंग हम उड़ा रहे हैं और क्या होता है जब आप खुले मैदान में उड़ाते हो तब तक ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर कुछ भी गिरता है तो वो सीधे जमीन पे आके गिरता है. बट आप जब बिल्डिंग के बीच में या आप बहुत ग्रीनरी वाले जगह पे करते हो और कोई दो पेड़ के बीच में अगर धागा अटक जाए तो 100% बहुत सारे पक्षी पिजन्स यू नो बहुत सारे इस तरह से उड़ने वाले जो होते हैं वो उसमें अटक जाते हैं, क्योंकि वो धागा इतना फाइन होता है उनको दिखता ही नहीं है.
तो मैं इस कारण आई थिंक काइट फ्लाइंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर सकती हूँ। सबके अपने अपने शौक है, जिनको पसंद है वो जरूर उड़ाए, इंजॉय करे, बट मैं पर्सनली, इट्स माई पर्सनल थिंग, क्योंकि कोई इंसिडेंट हो गया तो मैं बिल्कुल भी इसको एनकरेज नहीं करती हूँ। बट अब एनी विच वेज, आज मकर संक्रांति है, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। खूब सारे तिल खाएं, बिकॉज तिल इज वेरी वेरी हेल्दी, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई लव यू ऑल।